लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर हम खेलेंगे तो वो भी तो खेलेंगे ना सर। खेलने दो, हम बाद में खेलेंगे। वाकई ये आपकी भक्ति है शारदा बहन, क्या आज राम तरक्की पा के सीनियर इंस्पेक्टर बन गया और लखन को राम की कुर्सी मिल गई। सुना है माँ जी, आप 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं? हाँ गीता, मैंने शिव जी से कामना की थी कि जिस दिन राम लखन मेरे इच्छा अनुसार बन जाएंगे उस दिन मैं अमरनाथ की यात्रा करने जाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ माँ जी, आज आपका कितना बड़ा संघर्ष खत्म हुआ होगा। संघर्ष खत्म हुआ है लेकिन युद्ध नहीं, युद्ध तो अभी शुरू होना है। मुझे इस युद्ध में तो जीतना ही है सेठ जी, जिंदगी में गरीबी बहुत देखी है बहुत, लेकिन आप लोग मुझे ऐसे छोटे छोटे चॉकलेट के डिब्बे देते रहेंगे तो मेरे गरीबी हटाओ प्रोग्राम का क्या होगा? अभी रख लो लखन भैया, और एक बार काम तो हो जाने दो, बड़े डब्बे भी भिजवा देंगे। अरे भैया आइए, भैया आइए। तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि ड्यूटी के बाद माँ को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाना। हाँ मालूम है भैया, आप चलिए मैं आता हूँ। तो हम चले? अरे मेरा मतलब है सेठ जी, ये चॉकलेट के डिब्बे को पुलिस स्टेशन थोड़ी लाता है, घर पर बुलाइए खिलाइए, पेट भर खाएंगे, खूब खाएंगे। और जब आप इसे इतने दिल से लाए तो इसे हमारे दिल के पास ही रहने दीजिए, काम हो जाएगा। जी माय नेम इज लखन। हो गया। चुप चुप जियो मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हारे प्रेम और एकता को हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। आप खाना खाया? अरे कैसे खा लेता भैया आपके बिना, भूख तो लग रही थी, सोचा डफली बजा लूं। अभी खाना गर्म करके लाता हूं। आ बैठ, बैठ यहां। जब तू पैदा हुआ था ना तो मैंने गांव में जा जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबसे कहा था, मेरा भाई आया है, मेरा लखन आया है, मेरा लखन आया है। हाँ माँ ने बताया था मुझे। तो माँ ने तुझे ये भी बताया होगा कि पिताजी ने हमारा नाम राम लखन क्यों रखा? राक्षसों का नाश करने के लिए। श्री राम और श्री लक्ष्मण के आदर्शों पर चलने के लिए। ओ भैया ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल रामायण सिर्फ एक पुरानी किताब है, एक ड्रामा है, एक टीवी सीरियल है जो देखने में अच्छा लगता है मगर करने में बहुत फर्क है। आजकल जमाना बिल्कुल बदल चुका है भैया। जमाना हमेशा बदलता रहा है लखन, और हमेशा बदलता रहेगा, लेकिन हजारों सालों से चली आ रही रामायण की बातें और आदर्शों को 70-80 साल जीने वाला इंसान न कभी बदल सका है और न कभी बदल सकेगा। तुम और मैं तो कुछ भी नहीं। आपकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही? मैं समझाता हूं। आज पुलिस की वर्दी पहनकर जो चॉकलेट का डिब्बा तुम खाने की कोशिश कर रहे थे, वो चॉकलेट का डिब्बा तुम्हारे लिए कल जहर का डिब्बा बन सकता है, और तुम्हें जहर खाते देख ना मां बर्दाश्त कर सकती है और ना ही मैं। अरे भैया मैंने ऐसे कुछ नहीं किया भैया। ना ही तुम करोगे। भैया अपनी कसम मत देना, आपको मेरी कसम, मेरे सर की कसम, मेरा मरा वो मुंह देखोगे। कसम नहीं, कसम नहीं, कसम नहीं। इडियट। मेरे 2 अनमोल रतन, एक है राम तो एक लखन। सर ये बीबी रोडवेज के ट्रक खुले आम बिना किसी चेकिंग के। पांडे जी, बड़ा हाथी पकड़ने से पहले थोड़ी सी रस्सी को ढील देनी चाहिए। 1 2 का 4 और 4 2 का 1।
जाने दो, बीबी रोडवेज वाले हमारे रिश्तेदार हैं, उनके ट्रकों को रोक कर क्या हमारी नाक कटवाओगे? चाची क्या कहेगी, चाचा क्या कहेगा? वाह भतीजे वाह, तुम हमारे इम्तिहान में पास हो गए। थैंक यू। हंगामा हो जाएगा माथुर साहब। चाचा बिजनेसमैन, भतीजा पुलिसमैन, फिर चैन ही चैन। मेरी पहली दक्षिणा। कितने? 1,00,000 रुपए। भानु इसे 1,00,000 रुपया दे दो। थैंक यू वंस अगेन चाचा। हो गए रिश्ते पक्के। अरे खा लो लड्डू बच्चे। लड्डू, प्यार के लड्डू। खा लो चाचा। नहीं बेटे, मुझे डायबिटीज है, डॉक्टर ने मना किया है, मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे? मैं मर जाऊंगा, मेरी खातिर मर जाऊंगा। एक तो खा लो, खा लो चाचा। नहीं भतीजे। प्यारे चाचा, नहीं भतीजे। खा लो चाचा, खा लो, खा लो, खा गए चाचा, खा गए चाचा। राधा, तुम्हारे साथ हुए हर जुल्म का जवाब मैं उन्हें दूंगा। विशंबर भानु के पास रखी हर चीज हमारी है और उसे मैं हासिल करके रहूंगा। राधा, इस जंग में अगर तुम्हारा साथ छूट गया तो समझ लो कि लखन मर गया। नहीं, नहीं लखन, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये रहे तुम्हारे 2,00,000 रुपए। 2 लाख? 2 लाख। थैंक यू चाचा। अरे भैया आप यहाँ? मिस्टर लखन, हमें तुम्हारे इस बैग की तलाशी लेनी है। इस बैग की? इस बैग में कुछ नहीं है भैया, घर का सामान है। मिस्टर शर्मा, इस बैग की तलाशी लो। भैया बैग में कुछ नहीं, घर का सामान। लखन, इट्स एन ऑर्डर। सर ये बैग रखो, लो जल्दी। काशीराम, एक बात मेरी समझ में ना आवे कि ये 124 के चक्कर में अपना लखन इंस्पेक्टर तो बन गया, पर इसके पास इतना पैसा कहां से आया? सेठ जी, बड़ा रुबाब है लखन का। कर बाय गॉड। बाय गॉड किसी को भी जेल में बंद कर देवे। बाय गॉड। सनकी हो गया है, सनकी। वो आपके सेठ जी है ना, बिब्बी रोडवेज वाले, उनकी तो गिग्गी बंद गई उसके सामने। काशीराम तू सीधा बैठ जा, मेरी गिग्गी ना बंद है किसी के सामने। सेठ जी बंद गई? क्या गिग्गी? किसकी? आपकी। कैसे? हवलदार जमशेद, दुकान को घेर लो, बैठे रहिए, बैठे रहिए। लोग उठने बैठने में हेरा फेरी कर जाते हैं। सेठ जी धार पड़ गई। क्या पड़ गई? लखन भैया। आज से हम लखन भैया नहीं, इंस्पेक्टर लखन प्रताप सिंह हैं। आ आ आ आ आ आ। जमशेद बताइए जनता की क्या क्या शिकायतें हैं। हमारी शिकायतें? हाँ, तुम्हारी शिकायतें। सुनिए सुनिए, रिपोर्ट नंबर 1। बनिया देवदर शास्त्री चावल में कंकर मिलाता है। रिपोर्ट नंबर 2। बोलते हुए कांटे में बट्टा मरता है। रिपोर्ट नंबर 3। भाव बढ़ाने के लिए अंदर वाले कमरे में घी तेल जमा करता है। और मिलावट और जमाखोरी की सजा 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना। आवाज आवाज। मेरी बात तो सुनो बेटा, कानून का आदमी जनता की आवाज सुनेगा या मुजरिम की? जब भी तुमने डांटे है ना तो मन बहुत प्यारा प्यारा लगे। उकी बाबा डूडी काका। ये तेरी अपनी दुकान है बेटा, तेरा अपना घर, अपने घर में दाड़ मारेगा तो क्या कहेगी शारदा बहन? जमशेद जी, तुम जाओ, हम आते हैं। काशीराम जी, माँ का नाम लेकर मुझे जज्बाती कराई है बढ़िया? ये बढ़िया नहीं है लखन भैया, राधा का बाप है तुम्हारा देवधर काका। काका काका बचपन वाला काका, भूल गए काका। देखो राधा बेटी कैसे तेरा इंतजार कर रही है। और मैं और ये काशीराम अभी तेरे बारे बातें कर रहे थे कि लखन नहीं आया, लखन आया नहीं अभी तक। अभी अब तो आए हो तो चाय पी के जाओ, राधा से मिल के जाओ। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। मेरा मतलब है राधा ने तुम्हारे लिए लड्डू बना रखे हैं, खा कर जाओ जी। एक शर्त पर। क्या? कि देवदर काका खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएं। तो जरूर पिलाएंगे, आज तो इनके बाप को भी पिलानी पड़ेगी। तुम ऊपर तो चलो, राधा से तो मिलो। क्यों सेठ जी?
रखियो लाज तू आज हमारी। लखन बेटा लड्डू खा तू। काका याद है बचपन में हमें राधा लड्डू खिलाया करती थी। अरे याद है बेटा, सब कुछ याद है, तू क्या प्यारी प्यारी हरकतें किया करता था। तो आज भी हम तभी खाएंगे जब राधा अपने हाथों से हमें लड्डू खिलाएगी। अरे हाँ, क्यों नहीं राधा बेटी, खिला दे अपने हाथ से लड्डू, दरोगा जो बन गया है दुश्मन। मेरा मतलब है लखन, डीडीडी पुलिस इंस्पेक्टर सीपीडब्ल्यूडी। काशीराम जी, तुमने काका को बताया नहीं कि लखन ने किन किन हरामियों को पकड़ा? पकड़ा जी, सबको पकड़ा, सिर्फ एक हरामी ने छोड़ के। काशीराम किसको? सेठ जी, आपका नाम लेते हुए मैंने बड़ी शर्म आई। काशीराम सेठ जी, कहने का मतलब ये है कि लखन भैया ने सबसे पहले तो वो अपना सेठ धनी राम है ना, उसके यहाँ धाड़ मारी और उसको बंद कर दिया। और वो दूसरा, वो बढ़िया दीना राम है ना, उसको थाने में उल्टा लटका के इसी जगह जूते मारे कि आसमान लाल कर। माय गॉड, मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लाया हूँ, पहन लो। लखन लखन, हमारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर लखन होगा।